नमस्कार व्यूज टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। दर्शकों, आज के कार्यक्रम खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छोटे उस्तादों से। जी हाँ, छोटे उस्ताद, ये कैसे और क्यों इनका नाम पड़ा छोटे उस्ताद, ये आपको हम इस कार्यक्रम के जरिए ही बताएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम को देखकर आप कुछ पल के लिए अपना तनाव जो है वो भूल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं छोटे उस्तादों से। सबसे पहले हम जानेंगे, बच्चे आपका नाम क्या है? रुद्र बाबा। अरे वाह, और आपका नाम क्या है? भैरवी। और आपका? विभास। अच्छा, भैरवी आपका नाम है, विभास आपका नाम है, इनका नाम है रुद्र। अच्छा, रुद्र आपको छोटे उस्ताद कहते हैं और आपको भी छोटे उस्ताद कहते हैं। तो छोटे उस्ताद, सबसे पहले अगर हम आपकी बात करें तो आप क्या सुनाओगे? मैं पहले तो किशोर दा के गाने सुनूंगी। अरे वाह, किशोर दा के गाने भी गाते हो आप? यस। तो आप जो हमारे सुन रहे हैं इतने लोग, उनको सुनाओ। ओ धम है तसही ते प्यार में है दिल सुभाषाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं इसका नाम। हाय राम तुझे पढ़ते तो सुनाओ। अरे वाह। ओ धम है तसही ते प्यार में दिल सुभाषाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं इसका नाम। हाय राम हाय से इतना ही आता है। अब हम भैरवी से पूछेंगे, बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट में पढ़ते हो। तो स्कूल गए हुए कितने दिन हो गए? कई नहीं दिन में गए हुए। अभी गए नहीं स्कूल? अभी क्या स्कूल है? एक साल हो गया। स्कूल को मिस करते हो? अच्छा लगता है स्कूल जाना? हाँ, पर अंदर जाके देखा ही नहीं, बस बाहर ही देखा है। ये तो बहुत बुरी बात है कि आपने स्कूल जाना था और आपने बाहर बाहर से स्कूल को देखा, है ना? तो अच्छा, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप हमारे जो देख रहे हैं सब, उनको, जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या सुनाएंगी? जयती जयती जरूर आप सुनाइए। जयती जय जय माँ सरस्वती, जयती जय जय माँ सरस्वती, जयती वीणा वादिनी, जयती वीणा वादिनी, जयती जय जय माँ सरस्वती, जयती जय जय माँ सरस्वती। सारे गा रे गा पा गा पा दा पा दा सा रे रे सा दा पा दा सा सा गा पा धा पा धा दा पा गा रे गा पा पा गा रे सा रे गा गा रे सा रे। जयती जय जय माँ सरस्वती, जयती जय जय माँ सरस्वती। शुद्ध तन मन शुद्ध वाणी कर दे वीणा वादनी, कर दे वीणा वादनी, जयती जय जय माँ सरस्वती, जयती जय जय माँ सरस्वती। अरे वाह, बहुत अच्छा गाती हैं आप तो। अच्छा भैरवी, जो आपने सरगम इसमें गाई, तो ये कैसे, इसको कैसे याद किया? मुझे पहले नहीं आता था, फिर मेरे पापा ने मुझे सिखाते रहे, तो फिर मैंने सीख लिया। अब सबसे शरारती बच्चा हमारे बीच में बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विभास। मम्मा की बात मानता हूँ। अच्छा, आप शरारती नहीं हो? शरारती तो हो, थोड़े थोड़े से शरारते करते हो आप। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते हूँ फर्स्ट में। अच्छा, रुद्र भी फर्स्ट में पढ़ता है, भैरवी भी फर्स्ट में पढ़ती है, विभास भी फर्स्ट में पढ़ता है। सारे फर्स्ट वाले यहाँ पे आ गए, है ना? सभी फर्स्ट, वो फर्स्ट स्टडी वाले यहाँ पर आ गए, सभी आ गए ना। अच्छा विभास, आप भी तो गाते हो ना?
क्या गाते हो आप? हे राम। अरे वाह, तो आप हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं आपको, आप उनको सुनाओगे? जरूर सुनाओ। हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो राधा का श्याम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी ही सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में ये चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। वाह विभास, आपने तो कमाल कर दिया, आप तो बहुत अच्छा गाते हो। अच्छा रुद्र, जब आप तो बहुत अच्छा गाते हो और जब आप किशोर दा के गाने गाते हो उसको लर्न कैसे करते हो? किशोर दादी वो तो मैं पापा ऐसे थे तो। और फिर जो और आप पंजाबी सॉन्ग भी गाते हो ना और डोगरी भी गाते हो, अरे वाह आप तो तीनों लैंग्वेजेस में गाते हो, और इनको लर्न कैसे करते हो? इनको लर्न मैं पापा से सीखता हूँ। पापा से सीखते हो, और घर में कौन कौन गाता है? और घर में मेरे चाचू। चाचू चाचू गाते हैं? हाँ। तो किसके साथ बैठ के सीखना अच्छा लगता है, पापा के साथ कि चाचू के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ? अच्छा, और चाचू के साथ भी? चाचू गिटारिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी अच्छा वो गिटारिस्ट हैं और आप गाते हो। तो अब आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या सुनाओगे? एक और मैं गाना चाहूँगा, पंजाबी। पंजाबी का? बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर सुनाओ हमारे दर्शकों को। तारियां दे नाल जल तर दरंदा है, अरे वाह, इतने तेरे पीछे दिल साडा मर दरंदा है। तारियां दे नाल जल तर दरंदा है, इतने तेरे पीछे दिल साडा मर दरंदा, इतने सुई तारे तोड़ दी ना तत लड़े ओ मेरे लदरी ना, अद्धी अद्धी रात ताई हथ लड़े मेरे लदरी ना, अजे ना जा इत बारी तत लैंदे सोनिए, अजे ना जा दिल जर शायद मत नब्बल तेरे नाल जिंदगी बिता, गबरू का मुंडा तुरदा से तेरे नाल जिंदगी बिता, तु तड़ तोड़ दी ना तत लड़े मेरी लदरी ना, अद्धी अद्धी रात ताई हथ लड़े मेरी लदरी ना, अद्धी अद्धी रात ताई हथ लड़े। अरे वाह, आप तो पंजाबी गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो, है ना। अब दर्शकों हमारे साथ बैठी है भैरवी। भैरवी आप कार्टून देखते हो? हाँ। कौन कौन सा कार्टून देखते हो? मशीन द बेर और भीम। हम्म, भीम और नोबिता। नोबिता, डोरेमोन और पिनाकी। डोरेमोन। डोरेमोन और वो क्या था? आप कौन सा देखते हो विभास? मैं देखता हूँ, मैं निक जूनियर में, जोर से बोलो जरा, निक जूनियर में वो देखता हूँ माशा एंड द बेयर और उसकी स्टोरीज, और मैं देखता हूँ वो देखता हूँ मैं वो नोबिता, नोबिता डोरेमोन भी देखता हूँ डिज्नी। अच्छा बात सुनो, आप दोनों में से शरारती कौन करता है? नो, कौन करता है? चुच्चू सबसे शरारती, इसलिए क्योंकि मैं मम्मा जैसे कोई कोई काम बोलते ना है ना हम दोनों को, तो चुच्चू सीधा आराम करती है, मैं भागबा मम्मा का, मम्मा जो काम कहती है वो काम को उठा कर भाग जाता हूँ। तो ये भैरवी मानती है मम्मा की बात? नो। अच्छा ये नहीं मानती, ये पापा की बात मानती है? ना। ना, ये पापा की लाडली है और आप मम्मा की लाडली? नहीं मैं पापा का लाडला हूँ। अच्छा पापा की तरह दिखता हूँ मैं? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। अब भैरवी और विभास, आप दोनों में से हमें गाना कौन सुनाएगा? हम दोनों। अच्छा दोनों सुनाओगे? चलो
सुनाओ फिर। थोड़ा ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि आवाज नहीं आती इतनी, दोनों की आवाज आ रही है। ठीक है, आप दोनों सुनाओ और उसके बाद हम रुद्र से भी खूब सारे गाने सुनेंगे। ठीक है रुद्र। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। अरे वाह, आप तो दोनों बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। और विभास, आप जब घर में प्रैक्टिस करते हो तो किसके साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हो? पापा। आप दोनों पापा के साथ? और जब क्लास ले आते हैं तो तभी हम बैठते हैं, जब कोई भी आता तभी बैठते हैं। अच्छा, तो घर में और हम कभी कभी जब कोई गाना गाते मैं भी पापा को कान में सुनाती, पापा मुझे भी गाना गाना है, तो पापा बोलते बाद में कराता हूँ, सबके वाले करा के मैं आपको, जब वो चल जाएंगे तब मैं आपको कराऊंगा। अच्छा अच्छा, आप कौन कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? मुझे हिट लगता है ओ मेरे दिल की जान, अब मैं वही सुनाने वाला हूँ। अच्छा, ओ मेरे दिल की जान आप जरूर सुनाइए। ओ मेरे दिल से चैन, ओ मेरे दिल से चैन, चैन नहीं मेरे दिल का तो आती दिए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो इस तरह, आहे भरा कीजिए ओ मेरे दिल से चैन, आए मेरे दिल का दुआ कीजिए। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाते हो। आपको किशोर दा के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सुना कि आप डोगरी सॉन्ग भी गाते हो। डोगरी सॉन्ग कौन सा गाते हो? तारी तोड़ा भैया। वो भी हमारे दर्शकों को सुनाओगे आप? जरूर सुनाओ जरा। तारे तोड़ा पया ठंडिया पया बरसारा, तारे तोड़ा पया ठंडिया पया बरसारा, ओ तेरे ते लददा कालिया कमीजे आल, ओ मेरा जेठ लददा बड़े पाये दा साला, ओ तेरा की लददा कालिया कमीजे आल, ओ मेरा जेठ लददा बड़े पाये दा साला, अब हम इन दो शरारती की तरफ आएंगे, शरारती बच्चों की तरफ। तो आप मुझे ये बताओ कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, पर कभी कभी ट्यूशन जाते हैं। अच्छा जाते हो, तो पढ़ना अच्छा लगता है या ऑनलाइन स्टडी करना अच्छा लगता है? ऑनलाइन स्टडी अच्छी लगती है। ऑनलाइन स्टडी दोनों, पढ़ाई और ऑनलाइन क्लास करना दोनों अच्छा लगता। फिर आप क्या करते हो? तो हम फिर कभी कभी खेलते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर खाना खाते हैं। अच्छा, तो आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही होंगी? मेरी तो लगी हुई है। अच्छा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं, तो ट्यूशन पढ़ने भी जाते हो? लगी हुई है पर मैं अभी नहीं जाता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होते पुलिस ऑफिसर। अच्छा, भैरवी आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके विभास आप क्या बनोगे? बड़े होके मैं बनूंगा एस्ट्रोनॉट। अच्छा जी, मैं डॉक्टर। तो पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा डांट घर में किससे पड़ती है आपको? चाची, मम्मा से।
चुच्ची मामा, चुच्ची मामा। अच्छा ये आपको क्या बोलता है? ये मुझे वो बोलते हैं क्या कहते हैं? क्या कैसे चढ़ाते हो आप एक दूसरे को? चुच्ची को चढ़ाता हूँ तो कैसे? मैं वो ही चुच्ची है चुच्ची। अच्छा ऐसे बोलते हो आप? चढ़ जाती है चुच्ची, बताऊँ कैसे चढ़ाती है मुझे? ये पहले मैं जो चीज हाथ में रखता हूँ ना, पहले कहती दिखाना जरा, पकड़ती कहती नहीं दूंगी, वे भाग रही है। ये इसको किससे सबसे ज्यादा डांट पड़ती है? पापा से। पापा से? और मुझे तो मम्मा से डांट ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं मम्मा के सारे काम करता हूँ। मम्मा के सारे काम कर देता है इसलिए डांट नहीं पड़ती है ना? पड़ती है इसको, लेकिन पास पापा से पिटती है लेकिन मम्मा से नहीं। अच्छा अच्छा रुद्र आपको क्या खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बैट बॉल और फुटबॉल। तो आपको इतना टाइम मिल जाता है ऑनलाइन स्टडी के बाद की आप खेल सकते हैं? मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं थोड़ा सा टीवी देखता हूँ ठीक एक घंटे, फिर मैं खेलता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ। अच्छा मतलब खेल और पढ़ाई आपके साथ साथ में चल रही है। बच्चे आप हमारे को अब क्या सुनाओगे? हम सुनाएंगे बाप वो आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, आप दोनों सुनाओगे? हाँ। ठीक है आप दोनों हमें सुनाओ। तो दर्शकों जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं छोटे उस्तादों के साथ, अब आपने देख ही लिया होगा कि ये छोटे उस्ताद क्यों इनका नाम पड़ा, क्यों इनको छोटे उस्ताद कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि आप पल भर के लिए अपना तनाव ज़रूर भूल गए होंगे। तो दर्शकों इसके साथ ही हम लेते हैं आपसे इजाज़त। रुद्र, भैरवी, विभास आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतने सारे गीत हम सबको सुनाए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे अगले कार्यक्रम में फिर से आएं और ढेर सारे गीत हम फिर से आपसे सुने। तो दर्शकों आज का कार्यक्रम बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।